हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये देखेंगे कि फंक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें कि हम फंक्टर्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? तो एक फंक्टर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फंक्शन की तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो एक फंक्टर्स के थ्रू अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो हम उसी तरह कॉल करेंगे जैसे हम फंक्शन से नॉर्मली कॉल करते हैं। से फंक्शन में हम कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन ले रहा है कुछ अगर, तो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो उसी तरह फंक्टर्स के थ्रू हमें कॉल करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो जो अगर कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है फंक्टर, तो हम वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो एक फंक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसी क्लास में जो ये ब्रैकेट ऑपरेटर है उसे हमें ओवरलोड करना होता है। तो चलिए मैं आपको एक फंक्टर्स का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको फंक्टर्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इंटीजर क्लास बनाता हूँ। ये हमारी क्लास है इंटीजर और इसके अंदर एक डेटा मेंबर नम क्रिएट कर लेता हूँ और पब्लिक सेक्शन में मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसका मैं एक, वो क्या करेगा, जो है नम डेटा मेम्बर है उसकी वैल्यू को इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर देगा जब ये ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये हमारी क्लास बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा, सपोज ए नाम देता हूँ, तो इसका जो नम डेटा मेम्बर है वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो नम की वैल्यू हमें प्रिंट करेगा कंसोल पे। तो यहाँ पे जो नम डेटा मेम्बर है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा कंसोल के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं अगर ए डॉट प्रिंट कॉल करता हूँ तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ए ऑब्जेक्ट है इसे मैं एज अ फंक्शन ऐसे यूज़ कर सकूँ कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँ और फिर उसके आगे ब्रैकेट दूँ और ब्रैकेट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करूँ, तो ये इनवैलिड ना हो, वैलिड हो और कुछ काम यहाँ पे मेरा हो। तो इस चीज़ को हम C++ में फंक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो फंक्टर्स के थ्रू करने के लिए हमें, अगर फंक्शन बनाना चाहते हैं हम, तो क्या करना होगा, हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास में हमें जो ब्रैकेट ऑपरेटर है उसे ओवरलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे आप ब्रैकेट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए ब्रैकेट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देंगे। तो यहाँ पर मैं वॉइड रिटर्न टाइप दे देता हूँ क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ऑपरेटर कीवर्ड। अब इसके बाद जो ऑपरेटर हमें ओवरलोड करना है उसका सिंबल, तो हमें ये ब्रैकेट ऑपरेटर जो है उसे ओवरलोड करना है। उसके बाद जो ये आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक इंटीजर पास करूँगा और ये जो यहाँ पे वैल्यू पास होके आएगी उसे हम क्या करेंगे, जो नम डेटा मेम्बर है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये नम को, नम में वैल जो है उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू यूज़ किया है, तो इसे हम C++ में C++ शॉर्ट हैंड्स कहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इसी के इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसी चीज़ को करना चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था, नम इक्वल टू नम प्लस वैल। ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है प्लस नम प्लस इक्वल टू वैल, ये सेम इसी के इक्विवेलेंट है, नम इक्वल टू नम प्लस वैल। तो यहाँ पे मैंने ऐसा शॉर्ट हैंड का यूज़ करके थोड़ा टाइम बचता है कि हमें बार बार, अगर दो बार एक ही वेरिएबल को नहीं लिखना पड़ता है, एक ही वेरिएबल का नाम नहीं लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर जो है ब्रैकेट ऑपरेटर उसे ओवरलोड कर दिया है, तो ये हमारा फंक्टर बन गया है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को अब एक फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूँगा और उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास करूँगा तो ये हमारा एरर नहीं शो करेगा।
उसके बाद फिर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ कि जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ फंक्शन के थ्रू वो हो रहा है कि नहीं। चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ देखिए 0 फिर 2, फिर अगर मैं दोबारा ऐसे ही ए 8 करूँगा तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा मेम्बर है नम, उसकी वैल्यू में ये 8 इंक्रीमेंट कर देगा। तो दोबारा से मैं प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे सेमी कॉलन, तो यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले जब हमने कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो एक ही वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। फिर हमें ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्टर फंक्टर यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने 2 पास किया, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके एक ही वैल्यू 2 हो गई। और फिर दोबारा हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ करके प्रिंट किया। उसके बाद फिर हमने दोबारा से A8 किया, तो यहाँ पे दोबारा से फंक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी A के अंदर जो नम डेटा टाइप है उसकी वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होके 10 हो गई। तो ये हमारा एक फंक्टर है, या फिर इसे हम फंक्शन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो फंक्टर्स का यूज़ बताया कि किस तरह हम फंक्टर को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।